ਸ਼੍ਰੀਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ 24 ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੀਨ ਬਾਨੋ ਸ਼ੇਖ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਦੀਆ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ देवबंद एसडीएम ने जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने गैंगस्टर के आरोपी फूल मियां की देवबंद नगर में 5 संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल देकर लोगों में हड़कंप मचा रहा। आपको बता दें कि देवबंद थाना क्षेत्र के अंतर्गत फूल मियां पुत्र अख्तर जो कि देवबंद का ही रहने वाला एक शातिर अपराधी है जिसके खिलाफ हत्या और गैंगस्टर जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। उसी गैंगस्टर मुकदमे के अंतर्गत उसके द्वारा अवैध रूप से अपराधी मामलों में लिप्त रहकर जो अवैध संपत्ति और धन इकट्ठा किया था उसी चल अचल संपत्ति का जिसके कुल कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है कल जिला अधिकारी सहारनपुर के आदेश अनुसार उसकी कुर्की की गई है और उसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साजिद खां के साथ अफजाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। सर देवबंद का कुर्की का क्या मामला है? सर देवबंद थाना क्षेत्र के अंतर्गत फूल मियां सनव अख्तर जो कि देवबंद का ही रहने वाला एक शातिर अपराधी है जिसके खिलाफ हत्या और गैंगस्टर जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। उसी गैंगस्टर मुकदमे के अंतर्गत उसके द्वारा अवैध रूप से आपराधिक कृत्यों में लिप्त रहकर जो अवैध संपत्ति और धन अर्जित किया गया था उसी चल अचल संपत्ति का जिसकी कुल कीमत करीब 1 करोड़ है कल जिलाधिकारी सहारनपुर के आदेश अनुसार उसकी कुर्की की गई है और इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।